बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। सभी जिलों से आ रही है समेकित रिपोर्ट। आज शाम तक पूरी रिपोर्ट आने की संभावना है। घरों या किसी तरह के बसावट की नंबरिंग, परिवार के सदस्यों की भी हुई गिनती। घरों की दीवारों पर लिखा गया है मकान संख्या। पटना में करीब 14,35,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। सभी जिलों से आ रहे हैं समेकित रिपोर्ट। आज शाम तक पूरी रिपोर्ट आने की संभावना है। घरों या किसी तरह के बसावट की नंबरिंग की गई है। परिवार के सदस्यों की भी हुई गिनती। घरों की दीवारों पर लिखा गया है मकान संख्या। पटना में करीब 14,35,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। सभी के घरों पर संख्या लिख दी गई है। पहले चरण की गिनती पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट पेश किया जाएगा। जातिगत जनगणना की शुरुआत जो की गई थी, उसके पहले चरण की गिनती फिलहाल पूरी हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, एक तरफ जातिगत जनगणना का विरोध और इसी बीच पहले चरण को शुरू किया गया था और अब पहला चरण पूरा भी हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जातीय गणना का जो पहला चरण था वो पूरा हो चुका है और चरण में तमाम मकानों की नंबरिंग कर ली गई है। अगले 3 दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं 25 तारीख तक ये जो पूरी नंबरिंग हुई है और जिस तरीके से जो रिपोर्ट आएगी उसका एक सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा। फिलहाल आज देर शाम तक उम्मीद है कि सामान्य प्रशासन विभाग में सभी जगह से रिपोर्ट आ जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि हर जिले को कहा गया है, जिलाधिकारी को कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग में भेजें, क्योंकि उन्हें नोडल एजेंसी बनाया गया है इस पूरी गणना के लिए और वहां पर इसके एक विशेष सेक्शन बनाया गया है। उस सेक्शन के अंतर्गत ही तमाम लोगों को अपनी रिपोर्ट को जमा करना होगा। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि आज देर शाम तक तमाम जिलों से रिपोर्ट आ जाएंगे और अगले 2 से 3 दिनों में ये एक रिपोर्ट का जो खाका है वो भी सामने आ जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण की गिनती का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे चरण में जाति व सामाजिक और आर्थिक सर्वे होना है। तो दूसरे चरण में परफॉर्मा बनाया जाएगा सवालों का और उस आधार पर फिर वो करना शुरू होगी। जी, देखिए पहली रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और अब इस रिपोर्ट को जारी भी किया जाएगा, लेकिन रजनीश आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जातिगत जनगणना का क्या फायदा पहुंचने वाला है, पहले चरण की गिनती भी पूरी हो चुकी है। देखिए हर किसी के अपने अपने दावे हैं। सरकार को ये लगता है कि जातीय गणना अगर हम कराएंगे तो समाज में किसे कितना हक देना है, किसकी स्थिति क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण होगा तो समाज में निचले पायदान पे कौन लोग खड़े हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ किन्हें मिलना चाहिए, किन्हें मिल रहा है, कितने लोगों को मिलना और चाहिए। सरकार का ये दावा है कि इस सर्वे और इस गणना के जरिए हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे और उन लोगों को वो सुविधाएं दे पाएंगे जो सरकार की योजनाओं में और जो सरकार देना चाहती है। मगर अगर इसको राजनीतिक रूप से अगर देखें तो अलग अलग दल जो है अपने अपने तरीके से इस पर दावेदारी भी शुरू कर देंगे और आने वाले दिन में बिहार में जो जातीय राजनीति है वो इससे तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक लोग एक पिछले जनगणना के आधार पर ही अपना अपना दावा करते थे, हम 14% है, हम 10% है, हम 5% है, लेकिन जैसे ही ये गणना पूरी होगी उसके बाद रियासत से लेकर सरकारी नौकरियों में, निजी क्षेत्र में हर जगह हर जाति की दावेदारी शुरू हो जाएगी, तो बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि इससे आने वाले वक्त में जातीय संघर्ष बढ़ेगा। आपस में लोग एक दूसरे की हकमारी की बात करना शुरू कर देंगे, दावेदारी की बात शुरू कर देंगे और इसको लेकर ही चिंता है समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनमें कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जो मंशा है लोगों का भला हो, अगर हम जाति जान पाएंगे, उन लोगों तक पहुंच पाएंगे, आर्थिक सर्वे कर पाएंगे, लोगों को योजनाओं का लाभ, ये बेहतर है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ अगर उठाने की कोशिश होगी तो फिर ये परेशानी का सबब होगा। जी ठीक है रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।